हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाले वीडियो में देखे थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इसमें हम लोग देखेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में फोर्थ में क्या यूज हुआ था। VLSI का, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। लेकिन फिफ्थ में इस टेक्नोलॉजी को हटा करके इसमें ULSI का यूज किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका यूज किया गया, इस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो हम लोग का कंप्यूटर और भी ज्यादा फास्ट काम करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसी जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट किया गया, यूज किया गया पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का। इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक ही बार में बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आप मूवी भी देख रहे हैं, साथ में फेसबुक भी चला रहे हैं, साथ में सॉन्ग भी सुन रहे हैं, मतलब मल्टी प्रोसेसिंग हो रहा है, कैलकुलेटर भी यूज कर रहे हैं। तो एक बार में बहुत सारा काम करना को ही हम लोग बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, मतलब एक बार में हम लोग बहुत सारा वर्क कर सकते थे। ये यूज किया गया किसमें? ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। और AI सॉफ्टवेयर का यूज किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने रोबोट मूवी देखा होगा, रोबोटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, रोबोट में क्या होता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बना हुआ है। मींस उसको अगर आप बोलिएगा उसको मार देना है तो वो जाके मार देगा उसको। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आर्टिफिशियल मतलब रोबोटिक्स बनाया गया, जो आप रोबोट मूवी जो आप देखो। ठीक है, तो वो सब यूज किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ही हम लोग बोलते हैं रोबोटिक्स। ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया गया। ठीक है, यूज किया गया किसमें? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जावा, पाइथन और .NET ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी डेवलप किया गया। ठीक है, यूज हुआ ये सब लैंग्वेज। कौन कौन सा लैंग्वेज हुआ? जावा, पाइथन, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है, इसलिए लिखा गया। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कुछ कंप्यूटर्स बनाए गए जो बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर है, जैसे जो अभी आप यूज करते हो डेस्कटॉप यूज करते हो, जिसके साथ CPU अटैच होता है, लगा हुआ रहता है, लैपटॉप यूज करते, नोटबुक, ये सब क्या है? बहुत ही पॉपुलर कंप्यूटर है और ये सब फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। समझ में आया? ये बहुत ही आसान है। क्या है आपको याद रखना है कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट का यूज किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या शॉर्ट में, ULTRA, इसका यूज किया गया। ठीक है, ULSI, इसका शॉर्ट नेम क्या है? ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म, इसका यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या यूज किया गया? पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज किया गया, मतलब एक बार में हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या यूज किया गया? इसी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया, क्लियर है? और इस जनरेशन में पाइथन, जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी यूज किए गए। और इसके कुछ पॉपुलर कंप्यूटर्स हैं जिसका नाम है डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, ये सब आप यूज करते हो, क्लियर है? अब ये जनरेशन यहाँ पे लास्ट हो गया, लेकिन जनरेशन से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो आपको देखना होगा कि इसका क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं। जनरेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है जो आपको फर्स्ट में बताया कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, तो वैकम ट्यूब का यूज किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। क्या यूज किया गया? वैकम ट्यूब। क्या यूज हुआ? वैकम ट्यूब का यूज हुआ, क्लियर है? नेक्स्ट, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, ट्रांजिस्टर, इसका यूज हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एक आएगा। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसका यूज किया गया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ICS। ठीक है, नेक्स्ट, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आपका जो यूज किया गया वो यूज क्या किया गया? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका यूज, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी लार्ज
स्केल इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट सर्किट्स, ये होता है इसका फुल फॉर्म। समझ में आ रहा है इसका यूज किया गया, ये सब आपको दिमाग में रखना। नेक्स्ट, फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज हुआ? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका यूज किया गया। ये जो है इतना में से आपको जनरेशन से एक क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं जितना पढ़ें, एक्चुअली आपको पढ़ना पूरा है लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है। और जनरेशन में कुछ भी नहीं जानना था ज़्यादा, इसका हिस्ट्री जानना था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज हुआ, सेकेंड में क्या यूज हुआ, थर्ड में क्या यूज हुआ, फोर्थ में क्या यूज हुआ, फिफ्थ में क्या यूज हुआ, ये सब जानना। तो ये सब आपको दिमाग में रखना होगा जिससे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट यूज किस जनरेशन में किया गया था? तो फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का किस जनरेशन में यूज किया गया था? तो फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और आपको और भी आसान बना के लिख दिए, जो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिस समय समझाते थे उस समय अंडरलाइन कर देते थे, इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। थैंक यू।